हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी का न्यूली लॉन्च 14 इंच के अंदर एंट्री लेवल लैपटॉप। जी हाँ, इस लैपटॉप का प्रोसेसर जो है टोटली डिफरेंट है। अभी तक हम बात करते आए थे i3 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन या 13th जनरेशन। ये ना ही 12th जनरेशन है ना ही 13th जनरेशन है, ये प्रोसेसर है M305 जो i3 कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जनरेशन नहीं है। अगर आप वैसे काउंट करेंगे तो ये 13 जनरेशन में काउंट होता है। आज हम लेकर आए हैं HP का EP0068TU लैपटॉप। अगर हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की तो ये है i3 N305। ये 13 जनरेशन की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। अभी तक ऐसा सीरीज या ऐसा सीक्वेंस पहले नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम इंटेल ने लॉन्च करी है। अभी 2023 पहले क्वार्टर में ही इंटेल ने इस प्रोसेसर को लॉन्च किया है और एचपी अपने 14 इंच के लैपटॉप के अंदर इस प्रोसेसर को लेके आया है। ये जो मॉडल आज हमारे पास है ये 8GB रैम और 512GB SSD के साथ है और 14 इंच स्क्रीन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको हम फिजिकली ओपन भी करेंगे, इसका बैक पैनल भी ओपन करेंगे तो कहीं मत जाइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी हम ऐसे नए नए लैपटॉप की वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। तो दोस्तों, लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर लिया है, देखते हैं लैपटॉप के अंदर। एज यूजुअल प्रीमियम पावर कोर्ड, अगर हम अडैप्टर देखेंगे तो 65 वाट का नॉर्मल अडैप्टर है और ये है लैपटॉप। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं। जो अभी एचपी ने नई सीरीज लॉन्च करी थी जिसकी हमने पहले भी रिव्यू करे हैं, राइजन के अंदर आपकी FCI थी और i3 13 जनरेशन में, i5 13 जनरेशन में FD सीरीज आई थी। जो लुक HP ने उन लैपटॉप्स के साथ दी थी उसी लुक के अंदर ये लैपटॉप लॉन्च किया है। अगर आप देखेंगे इसका बैक पैनल हल्का सा क्रीमिश कलर के अंदर है। इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करके जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो कीबोर्ड है वो भी कलर चेंज है, सिल्वर कलर का कीबोर्ड नहीं है जो अभी तक 11-12 जनरेशन में आ रहा था। तो HP ने इसको भी अपनी 13 जनरेशन की सीरीज में रखा है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी मैंने पहले भी बताया था, नई 14S और 15S सीरीज के अंदर HP ने अपनी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर करी है। अगर आप बैक साइड भी इसकी देखेंगे, जो आप यहाँ बेंड देखेंगे या रबड़ की क्वालिटी पहले से बेटर करी है। अगर हम इसकी ऊपर की बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो वो पहले से बेटर है। अगर हम इसकी वॉबलिंग भी देखेंगे तो वॉबलिंग भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नाक के बराबर है। आप जहां पे इसको छोड़ देंगे वहीं पे ये रुक जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लैपटॉप को ओपन करते हैं और इसकी कॉन्फिगरेशन देखते हैं। इसके प्रोसेसर में ऐसी क्या खास बात है जो इंटेल ने अलग से इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लैपटॉप के पोर्ट्स दिखाता हूँ, फिर इस लैपटॉप को ओपन करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। लैपटॉप के राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आपको जो पोर्ट मिलता है वो है USB टाइप ए सुपर स्पीड, उसके बाद 1.4 HDMI जिससे आप प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, LED TV कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है टाइप सी, लेकिन आप इस टाइप सी से लैपटॉप को चार्ज नहीं कर सकते, ना ही आप इससे मॉनिटर का एक्सटर्नल डिस्प्ले ले सकते हैं। आपको फिर मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक जिससे आप हेडफोन माइक या एक्सटर्नल स्पीकर अटैच कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ दो पोर्ट मिलते हैं, एक पोर्ट आपका चार्जिंग के लिए है और दूसरा पोर्ट USB टाइप ए सुपर स्पीड। टोटल मिला के आपको दो USB टाइप ए इसमें मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कॉन्फिगरेशन की। सबसे पहले देखते हैं CPU। देखिए नॉर्मली i3 लैपटॉप में इसके अंदर CPU ही डिफरेंट है। इसमें जैसा आपको दिखाई दे रहा है इंटेल कोर i3 N305। बड़ा कंफ्यूजन आता है N305, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आए थे, देखते आए थे 1235, 1236, 1250, 1335, 1330 इस टाइप से आते थे हम, उसको 12 और 13 जनरेशन को डिफ्रेंशिएट करते थे। अब ये N305, देखिए ये कैटेगरी तो 13 जनरेशन की ही है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें बेस स्पीड है 1.8 GHz,
इसकी मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है 3.8 गीगाहर्ट्ज़। आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि नॉर्मली अगर हम पहले देखेंगे 12 जनरेशन की फ्रीक्वेंसी में 4.3 थी, 13 जनरेशन की 4.5 है, इसकी है 3.8। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोर परफॉर्मेंस कोर नहीं है। देखिए इसमें आपको कोर दिखाई दे रहे हैं, 8 कोर है, लॉजिकल प्रोसेसर भी 8 है। इसमें मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी कोर परफॉर्मेंस कोर नहीं है, सारे एफिशिएंट कोर हैं, इसीलिए इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3.8 गीगाहर्ट्ज़ की है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो रिव्यू हुआ उसके उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। L3 कैशे की बात करेंगे तो 6 MB की L3 कैशे है इसमें। मेमोरी की बात करते हैं, 8 GB की रैम है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3200 MHz है, यानी DDR4 इसमें रैम लगी हुई है। स्लॉट एक है और एक यूज्ड है, इससे मतलब अपग्रेड नहीं करेंगे। चलो इसका बैक पैनल ओपन करेंगे, बैक पैनल ओपन करके देखते हैं एक ही स्लॉट है या नहीं, और अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ये भी देखते हैं देखेंगे जब। हार्ड डिस्क की बात करेंगे, SSD इसमें लगी हुई है, इंटेल की SSD है 512 GB की, जिसकी कैपेसिटी आपको मिलती है 477 GB। वाईफाई देखते हैं, वाईफाई 6AX आपको मिलता है, जो पहले गेमिंग लैपटॉप्स में आता था। वाईफाई 6AX काफी पावरफुल होता है। ग्राफिक्स GPU इंटेल USD ग्राफिक्स है, बेसिक ग्राफिक्स है, कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है। 3.8 शेयर्ड ग्राफिक्स है, अगर आप सोच रहे हो कोई भी एडिटिंग या गेमिंग के लिए तो ये लैपटॉप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इसमें इंटेल आईरिस ग्राफिक्स भी आपको नहीं मिलेगा, मोस्टली वो i5 में आता है, ये i3 है, इसलिए USD ग्राफिक्स है। अभी तक जो आप वॉइस सुन रहे थे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी, इससे इस लैपटॉप के माइक की क्वालिटी भी टेस्ट हो गई है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं लैपटॉप में इसके पोर्ट्स। हमने देखा था इसमें एक ही रैम का स्लॉट था, देखते हैं एक है या वो भी सॉल्डर है या नहीं है, ये भी हम इसको ओपन करके चेक करते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। तो दोस्तों देखिए लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, जैसे हम देख रहे हैं बड़ा छोटा सा लैपटॉप है ये, जितना भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है कि हमारा मदरबोर्ड है, यहाँ हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है, फैन के साथ। जैसा हमने देखा था एक स्लॉट हमें बताया गया था और एक ही इसमें रैम का स्लॉट है और कोई भी स्लॉट नहीं है। अगर आपको रैम अपग्रेड करनी होगी तो इसको रिमूव करके ही आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप एडिशनल रैम नहीं लगा सकते। ये SSD है, SSD भी आपको रिमूव करके ही अपग्रेड करनी पड़ेगी, इसके लिए भी कोई आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है। बात करेंगे वाईफाई की तो हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है 6। ये हमारी लगी हुई है बैटरी, देखेंगे 3 सेल की बैटरी है, 41 वर्क आवर की बैटरी है। अगर आप बैकअप की बात करेंगे, नॉर्मली 6 से 7 घंटे का आपको इसका बैकअप मिल जाएगा। यहाँ हमारे 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं, 2 स्पीकर्स। दोस्तों हमने देखा लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, लैपटॉप को ओपन करके भी देखा, हमने बैक पैनल पे इसका ओपन करा। बात करते हैं लैपटॉप के यूज की, क्योंकि जब हमारे पास i3 13th generation मार्केट में अवेलेबल है तो N305 13th generation में इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है। देखिए अगर आपका वर्क थोड़ा हैवी वर्क है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होती है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको 4.1 4.2 गीगाहर्ट्ज की चाहिए होती है, तो आपको ये लैपटॉप नहीं सूट करेगा। ये लैपटॉप सिर्फ उनके लिए है जिनका काफी मल्टीपर्पज काम होता है, मल्टीटास्किंग के लिए है, ये मल्टीटास्किंग करनी है लेकिन हैवी नहीं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास मैं शेयर मार्केट का काम करता हूं, मेरे काफी टैब्स ओपन रहते हैं, मेरे को वर्ड एक्सेल पे भी काम करना होता है, मेरे को पावर पॉइंट्स पे भी काम करना होता है, मेरे को एक साथ काफी मल्टीटास्किंग काम करने होते हैं, लेकिन हैवी सॉफ्टवेयर पे नहीं, लाइट सॉफ्टवेयर पे। अगर आप 3D Max वगैरह की बात करेंगे तो वो इस पे प्ले नहीं होगा, अगर आप हैवी गेमिंग्स की बात करेंगे तो आपकी इसमें नहीं चलेगी। अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो मार्केट में आपको इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 45,000 का मिल जाएगा। HP इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है, अगर आप अपग्रेड कराना चाहेंगे तो अपग्रेड हो जाएगी, टाइम टू टाइम HP ऑफर्स देता रहता है। अभी बैक टू क्वालिटी ऑफर चल रही है, आप अगर अभी लेते हैं, जो ये महीना चल रहा है जून और जुलाई का जो महीना है, इसमें आपकी बैक टू क्वालिटी ऑफर में आपको वारंटी भी इजिली अपग्रेड हो जाती है। जो मेरे को पता चला है HP अभी 299 रुपए में 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी दे रहा है और साथ में मेकर से वायरलेस माउस भी ऑफर कर रहा है। जब आप HP वर्ल्ड पे जाएंगे तो वहां पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। HP एक्सीलेंट डैमेज प्रोटेक्शन भी देता है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिएगा कि क्या एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जिससे आपका लैपटॉप पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए जितने भी टाइम के लिए लेना चाहे आप ले सकते हैं,
वो एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिएगा, एक्सीडेंट लेवल में आपकी स्क्रीन वगैरह सब कवर होती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा ये चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और हमेशा हम कोशिश करते हैं हर लैपटॉप का बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।